हेलो दोस्तों, वन साइड मैट पर आप सबका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ फ्री फायर की ग्राफिक्स के ऊपर। बहुत सारे यूट्यूबर बोल रहे हैं कि नेक्स्ट अपडेट का बाद फ्री फायर का ग्राफिक्स चेंज होने वाला है, लेकिन मैं आज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि फ्री फायर का ग्राफिक्स असल में चेंज होगा या नहीं होगा। तो फिर बिना किसी देर के छोटा सा इंट्रो के बाद वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जितने भी यूट्यूबर ने बोला है कि फ्री फायर गेम का ग्राफिक्स चेंज होने वाला है, वो पूरा फेक न्यूज़ है, क्योंकि वो लोग किसी का हेल्प के लिए वीडियो नहीं बनाता, वो लोग सिर्फ व्यू के लिए वीडियो बनाता है। आज मैं आप लोगों को डिटेल में दिखाने वाला हूँ कि वो लोग कैसे फ्री फायर गेम का ग्राफिक्स एडिट करके चेंज करता है। आप लोग वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना, तो फिर आप लोगों को पता नहीं चलेगा। सबसे पहले वो लोग गेम रिकॉर्ड करने के लिए किसी भी एक स्क्रीन रिकॉर्डर का यूज़ करता है और फिर गेम को रिकॉर्ड करता है। चलो मैं गेम को ओपन करके दिखा देती हूँ, और आप लोग देख सकते हो गेम ओपन हो गया, हमारा गेम ओपन हो गया। चलो, अरे नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है। अरे यार खुल जा यार। आप लोग देख सकते हो फाइनली हमारा गेम भी ओपन हो गया। उसके बाद चलो एक मैच को खेलते हैं, क्लास कोड खेलते हैं। चलो और आप लोग देख सकते हो गेम ओपन हो गया, हमारा गेम ओपन हो गया। उसके बाद चलो मैं थोड़ा सा खेल के दिखाती हूँ और फिर बताती हूँ। आप लोग रियल ग्राफिक्स देख सकते हो कैसा है, और उसके बाद आप लोग देखना एडिट के बाद आप लोग देखना कैसा लगता है। तो भी चलो इतना ही रिकॉर्ड कर लिया, अब मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देती हूँ। उसके बाद सिंपली काइन मास्टर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद मैंने अभी अभी जो स्क्रीन रिकॉर्डर की थी उसको सिलेक्ट कर लेना है, और सिलेक्ट करने के बाद देख सकते हो मैंने पहले से ही सिलेक्ट करके रखा था। और उसके बाद आपको थोड़ा ऊपर का साइड जाना है। थोड़ा ऊपर का साइड जाने के बाद आपको वो देख सकते हो 3 डॉट का टाइप का एक ऑप्शन मिल रहा है, उसको टैप करना है। उसको टैप करने के बाद आप लोग देख सकते हो इधर मैंने पहले से ग्राफिक्स को बढ़ा के रखा था। चलो और भी थोड़ा थोड़ा बढ़ा देती हूँ, और बढ़ा देने के बाद आप लोग देख सकते हो वीडियो को कितना ग्राफिक्स इसका चेंज हो गया। पहले वीडियो को देख लेते हैं। चलो ये देख सकते हो आप लोग ग्राफिक्स बहुत चेंज देखने को मिलेगा आप लोगों को। और बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे ही ग्राफिक्स को चेंज करते हैं और बोलते हैं कि अपडेट का बाद ऐसे ग्राफिक्स चेंज हो जाएगा, और आप लोगों को उल्लू बना के व्यू ले जाता है, और वो लोग सिर्फ व्यू के लिए ये सब करता है। और आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल वाला आइकन को ऑल पे सेट कर दो ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिले।